तो मम्मा ने सुबह सुबह मुझे बोला कि भाई ये करो, क्या कहते हैं, अपनी अलमारी सेट करो। देखो ना हालत क्या हुई है, अभी ये सेट करते हैं अलमारी। सही है, आओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और छुट्टी का दिन और बच्चों से काम ना लिया जाए, ये कैसे हो सकता है भाई? हम भी बचपन में छुट्टी वाले दिन बहुत सारे काम मम्मी के साथ करते थे, और अब जो है ना उसका बदला अपने बच्चों से ले रहे हैं। नहीं मजाक कर रही हूँ भाई, आपका चाहे लड़का है या लड़कियाँ हैं, मैं कहती हूँ कि एक जो छुट्टी का दिन होता है ना, हफ्ता इतवार का, उस दिन तो लाजमी आप बच्चों से कोई ना कोई काम लाजमी करवाया करें। इससे बच्चे एक तो एक्टिव रहते हैं, दूसरा उनको डिसिप्लिन आते हैं घर की, और अलमारी सेट कर ली, कभी कपड़े प्रेस कर लिए, या फिर मामा के साथ किचन में हेल्प करवा दी। इस तरह के छोटे मोटे काम जो है ना वो करने चाहिए बच्चों को। मुझे अक्सर कॉमेंट्स आते हैं कि नहीं, बड़े बच्चे तो बड़े हैं, वो अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं, आप उनको क्यों नहीं बोलते? तो पूरा वीक वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं स्टडी में, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा तंग नहीं करती हूँ। लेकिन छुट्टी वाले दिन मैं कोई कसर छोड़ती भी नहीं हूँ, उस दिन फिर मैं पूरा उनसे हर काम कोशिश करती हूँ कि उनसे लूँ मैं ना। Guys, hope so you are all fine. Then welcome back to Lifestyle with Noreen. तो भाई उम्मीद करते हैं सारे खैरियत से होंगे। एनर्जी कर दो आप भी। क्या हुआ? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप सबका क्या हाल है? ठीक होंगे आप सब? तो भाई आप सब ठीक है ना? कमेंट में बता दें भी, मेरे सब बच्चों ने बारी बारी आपसे पूछ लिया कि भाई हम सब ठीक है, आप सब बताएं। आप सब भी उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है जी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में शादो आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन। हर किसी की जायज़ ख्वाहिशात जो है अल्लाह पाक वो पूरी करें। अच्छा जी, यहाँ पर बन रहा है हमारा गर्म गर्म नाश्ता, बन चुका है, पराठे थे, चने थे, और बस साथ में चाय और मलाई अचार वगैरह। ठीक है, जल्दी से नाश्ता करते हैं। उसके बाद एक फ़नी सा क्लिप बनाया, जो कि नाश्ता करने के बाद ना थोड़ा सा बिजली का काम करने वाला था घर का, तो वो सिर्फ स्विच में लगे हुए, और जिस टाइम पे मतलब बंदा इस ऐसी एक्टिविटी में होता है ना, खासतौर पे स्विच का काम, बिजली का, करंट का काम कोई कर रहा होता है, तो बड़ा ही उसमें ना एकदम गुम हुआ होता है, उसको इधर उधर का कोई होश नहीं रहता। तो हसन के जहन में आया कि मामा हम क्यों ना पापा के साथ प्रैंक करें ये वाला, और ये मैं हसन के कहने पे कर रही हूँ, और आगे देख लें फिर हुआ क्या। पापा के दोनों हाथ खुल गए। अपनी खुश। तो भाई हसन ने मुझे ये कहा था कि मामा पापा वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आप इस तरह से आए, मैं कैमरा लेके पीछे बैठता हूँ, तो फिर आप जो है ना इस तरह से परात बजाना जोर से, और पापा जो है ना एकदम डर जाएंगे, बेचारे डर भी गए, दोनों हाथ जो है ना छाजे वाले उनके ऐसे खुल गए थे, वो कह रहे हैं मैं समझा कि पटाखा चल गया तारों में। तो है जी, अभी यहाँ पे छुट्टी वाला दिन जो होता है ना, उस दिन मैं जितने सफ़ेद कपड़े होते हैं, चाहे वो मदरसे के हों या स्कूल के हों, उनको सबको मैं ब्लीच डाल के एक दफ़ा अच्छे से धोती हूँ। उसके बाद फिर इनको नील भी हफ्ते में एक ही दफ़ा लगा देती हूँ, ताकि फिर वो पूरा वीक जो है कपड़े धुलते रहते हैं, तो नील लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, इन्होंने वीडियो बनाई है ना अभी मेकअप की, आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखना, क्योंकि मेरा इतना नुकसान किया है इन्होंने मेकअप का, इतना नुकसान किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे ये चेक करें, मेरी कुछ चीज़ें इन्होंने तोड़ दी हैं, और ये चेक करें ज़रा, अल्लाह अकबर, मतलब आज तक शायद ही ज़िंदगी ने कभी ऐसा मेकअप किसी ने किया हो किसी का, जो इन्होंने किया हुआ है, मतलब बहुत नुकसान मेरी चीज़ों का हुआ है। ये चेक करें, बहुत सारी चीज़ें अब इस तरह से सारी पड़ी हुई, अभी मैं इनको सेट कर रही हूँ, और फिर मैं इनको अपनी अपनी जगह पर जो है ना वो रखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कचरा, ये देखिए, ये भी मेकअप बेचारों का उतारा है मैंने उनका, ये नीचे चेक करें, वो उस साइड पे भी गंदा है, इधर भी, इधर भी, सारे रूम में कचरा हो गया। अब ये सारा समेट रही हूँ, इससे पहले कि आसिफ आए ना, तो उन्होंने आते ही ना शुरू हो जाना डांडना है कि ये हालत क्या की हुई है घर की, मतलब बहुत ही बुरी हालत हो रही है। बस अब जल्दी से मैं इसको समेटती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
तो यार बहुत ही हमारी सोच से जो है ना वो कम उस वीडियो पे व्यूज़ आए हैं, पता नहीं क्यों यूट्यूब ने आगे रिकमेंड नहीं की, नोटिफिकेशन नहीं गया कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो वीडियो इतनी कोई फ़नी था या इतना फ़नी वो व्लॉग था कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। जिन लोगों ने भी देखा उन्होंने कमेंट्स किए, क्योंकि कमेंट्स बार बार ऑफ हो रहे थे उसके, क्योंकि बच्चों का कंटेंट था और आपको पता है बच्चों के कंटेंट में जो है ना वो कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं, ताकि कोई भी जो है ना वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करे कमेंट बॉक्स में आकर, तो इस वजह से जो है ना यूट्यूब उसको कमेंट्स ऑफ कर देता है। खैर वो वाला व्लॉग जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर ज़रूर जाकर देखना, बल्कि अपने बच्चों के साथ जाके बैठ के देखना, यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो खैर थोड़ा बहुत मेकअप का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन बच्चों ने जो है ना वो बड़ा अच्छा सा इंजॉय कर लिया, वीकेंड भी था और चले इस तरह से, और बच्चों ने भी खूब जो है ना वो इंजॉय कर लिया था। आप लोग के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि नूरीन आप बाहर कहीं जाया करें, आउटिंग पर जाया करें, बच्चों को लेकर बाहर निकला करें, ताकि आपके ज़्यादा जो व्यूज़ हैं ना वो आपको आएँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप लोगों की भी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि नूरीन का चैनल जल्दी से वायरल हो और इसको अच्छे से व्यूज़ आएँ। थैंक यू सो मच यार आप लोग की मोहब्बत का, आपके प्यार का, कि आप लोग इतना सोचते हो, यकीन करें अपनों के अलावा अपने भी जो है ना, मैं कहती हूँ कई दफ़ा वो भी हसद कर रहे होते हैं इन चीज़ों में, लेकिन आप लोग कितना सोच रहे होते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया दिल से यार। मतलब दुनिया में इंसान अगर कुछ ना कमाए, मैं कहती हूँ कि दूसरों की नज़रों में इज़्ज़त कमा लेना, तो वो बड़ी बात होती है, तो बस थैंक यू सो मच। अच्छा रही बात आउटिंग की, तो आसिफ का जो काम है ना वो कुछ इस तरह का काम है कि वो मतलब हमें लेकर ही नहीं जाते कहीं भी, वो कहते हैं कि मतलब वो अपने काम में इतने बिजी हैं ना, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो हमें लेकर कहीं भी जाएँ, तो बस ये थोड़ा सा मसला होता है, जिस वजह से फिर हम लोग बाहर नहीं निकल पाते, या निकले भी तो बहुत कम, कभी साल में निकलना होता है, वो भी चलो फिर जी मुल्तान चलते हैं या फिर सियालकोट चले जाते हैं, तो यहाँ कराची में तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे निकले। अच्छा जी ये सनब्लॉक था, मुझे किसी ने पूछा था कि नूरीन आप कौन सा सनब्लॉक यूज़ करती थी, पहले मैं ये रिवाज वालों का जो सनब्लॉक है वो यूज़ कर रही थी, लेकिन ये कोई इतना मेरे ख्याल में फ़ायदेमंद नहीं था, फिर ये दूसरा जो शेड वाला है ना तो वो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, और बहुत ही ज़रूरी है सनब्लॉक, तो आप अपने घर में भी रहें ना तो आप सुबह में उठ के मुँह हाथ धो के अपनी जो भी डेली रूटीन होती है ना अपना शुरू करने से पहले, मैं कहती हूँ कि सनब्लॉक लाजमी लगाया करें, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा वैसे तो कुछ लोग जो है ना सनब्लॉक नहीं लगाते, वो कहते हैं हम कौन सा कुछ बाहर निकलते हैं रोशनी में, या सूरज की रोशनी में जाना होता है जो कि हमें ज़रूरत होती है। आपको पता है कि सूरज की रोशनी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि हमारे लिए ही नहीं हमारे घर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सुबह सुबह उठ के पर्दे खोलना और जो धूप अंदर आती है ना, यकीन करें आपके घर के अंदर से बहुत सारे जरासीम खत्म होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जो कि आपको नहीं पता होता, वो धूप की रोशनी से। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो बाहर के ममालिक में या फिर जो अंग्रेज लोग हैं वो जैसा कि बीच वगैरह में अक्सर वो देखें सन बात मतलब दे रहे होते हैं, तो वो उनको पता है कि इसका फ़ायदा कितना ज़्यादा है, और अक्सर हमारे जो मतलब हम लोग इस तरह सोचते हैं नहीं भी हमने धूप में नहीं जाना, हमने सूरज के सामने नहीं जाना, हम काले हो जाएंगे लेकिन जो है ना बहुत दोपहर वाली धूप होती है वो सही नहीं होती है, आप सुबह सुबह वाली धूप या फिर शाम वाली धूप जो है ना वो लाजमी लगवाएं अपनी बॉडी को थोड़ी बहुत, और अपने घरों के बल्कि मैं कहूँगी पर्दे वगैरह भी खोला करें, घर के अंदर भी थोड़ी बहुत जो है ना वो बाहर से धूप आनी चाहिए, ताकि आपके घर के जितने भी जो बीमारियाँ जरासीम वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं इन चीज़ों से। तो बस जी यहाँ पे मैंने अपना जल्दी से मेकअप क्लीन किया, उनको अपनी जगह पे सेट किया, टेबल जो था वो भी मैंने साफ़ कर लिया था, और इसके अलावा बेड अप सेट कर रही थी, और ग्लास क्लीनर मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था, तो फिर टेबल का मैंने जो है ना वो साफ़ किस तरह से किया आपने देखा होगा, थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया, बस उस पर कपड़ा लगाया और बहुत अच्छे से टेबल जो है ना वो साफ़ हो गया। अच्छा एक और बात जो कि आप लोग शायद मे भी अक्सर ही सोचते होंगे कि नूरीन इतनी गर्मी में आपने कम्फर्टर जो है वो बेड पर रखा हुआ है ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बताती हूँ, असल में रात में हम लोग जो है ना वो ए सी चला लेते हैं, और वो ए सी जो है ना फिर वो रात में जब कमरा ठंडा कर देता है वो इतना ठंडा हो जाता है कि ठंड लगने लग जाती है बकायदा ना, तो खैर आसिफ तो नहीं लेते हैं लेकिन मैं अपनी साइड पे कर लेती हूँ और मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो भाई ठंड बहुत ज़्यादा लगती है रात, जो कमरा अच्छा सा वाला ठंडा हो जाता है, और ऊपर से ना आसिफ जो है ना वो एसी भी बंद नहीं करने देते ना वो कम करने देते, क्योंकि फिर उनकी आँख खुल जाती है तो फिर वो उनको नींद नहीं आती, वो कहते हैं कि एसी जो है ना वो चलने दिया करो, मुझे फिर नींद इस तरह से नहीं आती, बस यही रीज़न है। और एक और कमेंट आया था कि नूरीन आपके रूम में एसी है या बच्चों के रूम में भी एसी लगवाया हुआ है, अक्सर घरों में ऐसा होता है ना कि भाई गर्मी हो तो एसी तो चलाना पड़ता है, जाहिर सी बात है हर घर में, फिर ये होता है कि चलो एक रूम में एसी चल रहा है सारा टब्बर रथी आई हो तो यार बाकी में पंजाबियों के घरों में इस तरह से होता है, मेरी अम्मी के घर में भी इसी तरह से होता है, जब अभी मैं गई थी ना वहाँ पे तो अम्मी एसी चलाती थी, फिर सबको वहीं पे बुला लेती थी कि भाई इसी कमरे में आ जाओ, तो इस तरह से होता है। अच्छा यहाँ पे ना एसी बच्चों के रूम में भी लगा हुआ है, मेरे रूम में भी लगा हुआ है, और डाइनिंग रूम में भी लगा हुआ है, यानी कि तीनों रूम में जो है ना वो एसी है माशाल्लाह से, मतलब बच्चों के रूम में बच्चों का एसी उनके लिए चलता है, मेरे रूम में मेरे लिए चलता है, तो इस तरह से होता है। ये था शाम का टाइम, और हसन ने बनाई थी यहाँ पे फ्राइज़, और वो आप लोगों को बता रहा है कि बड़ी भी कड़क कड़क सी फ्राइज़ जो है वो मैंने पहली दफ़ा बनाई है, बड़े मज़ेदार सी और वाकई में बहुत मज़े की भी थी, मुझे कह रहा था कि मामा खा खा के ना आप बताएं कि कैसी बनी है। तो बस ये वॉइस ओवर करते हुए भी बड़े मसले होते हैं मुझे, चोरी चोरी छुप के एक कमरे में आना पड़ता है, वहाँ से फिर दूसरे कमरे में जाना पड़ता है, मोहम्मद साहब पीछे पीछे आते हैं, शोर करते हैं, चीज़ें गिराते हैं।
जाते हैं इधर उधर, फिर मेरा ध्यान उसकी तरफ भी होता है, वॉइस ओवर की तरफ भी होता है, तो बड़ा मसला हो रहा होता है। अच्छा अभी यहाँ पे ना ये शाम का टाइम था, और शाम के टाइम पे आसिफ के जो है ना वो कुछ मेहमान मतलब दोस्त वगैरह आए हुए थे नीचे ना, तो फिर उन्होंने कहा कि जल्दी से 3-4 कप जो है ना वो चाय बनाकर नीचे भेजो। मैंने कहा कि चले ठीक है, बस मैंने फटाफट से दूध रखा, और मेरे पास ना वो छोटा वो जो होता है ना वो कूटने वाला, क्या कहते हैं यार, कुंडी डंडा हम पंजाबी में बोलते हैं आई थिंक, और पता नहीं क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा वो छोटा वाला नहीं था, जिसमें जो है थोड़ी सी सौंफ और इलायची लेके उसको पीसे और फिर चाय में डाले, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है चाय का ना, आप लोग ट्राई करना। अक्सर लोग तो उसमें बाकायदा जो है वो दालचीनी भी डालते हैं, तो वो बड़े मज़ेदार सी चाय बनती है। साथ ही मैंने पत्ती इसमें डाल दी थी, इसको अच्छे से हम पकाएंगे इतनी देर तक कि कलर जो है ना वो अच्छा सा चेंज हो जाए इसका कलर ना। अभी अच्छा फ्लश ऑन था, तो मैं कही थी कि सिर्फ कैमरे में वो वाला कलर नहीं आ रहा चाय का जो कि खूबसूरत सा है, तो फ्लश ऑफ करके देखो, उसने फ्लश ऑफ किया फिर भी नहीं आ रहा था सही से, फिर उसने ऑन ही कर दिया कि मामा इसी तरह फिर भी थोड़ा बहुत ठीक आ रहा है। तो बस इसको मज़ीद पकाऊंगी पत्ती थोड़ी सी और डालती जाऊँगी जब इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाएगा। अच्छा एक और टिप है छोटी सी, वो ये है कि चीनी जो है ना आप पहले ना डाला करें, चीनी हम जब पहले डाल देते हैं ना अक्सर ही चाय का कलर जब भी नहीं आता है, तो इसलिए पहले आप पत्ती को अच्छे से पकाया करें, इसी में सौंफ दालचीनी इलायची जो भी डालना चाहते हैं वो डाल के इसको अच्छे से पकाएं, फिर चीनी जो है जब अच्छा सा कलर आने लग गया ना चाय का, ये देखिए अब इस टाइम पे मैं इसमें चीनी जो है ना वो ऐड कर दूँगी थोड़ी सी जो है वो मिक्स करके, एक दफ़ा जो है ना वो चेक ज़रूर कर लेना है कि चीनी जो है वो ठीक है या नहीं, या फिर पत्ती वगैरह टेस्ट उसका कैसा है। बहुत ही ज़बरदस्त था, तो फिर मैं अब इसको जल्दी से कप्स में निकाल लेती हूँ। अच्छा मेरी एक दो बहन मतलब जो जो कमेंट्स मुझे याद आते रहते हैं तो मैं उनका रिप्लाई अक्सर कमेंट्स में कर देती हूँ, अक्सर मैं इस तरह से जवाब भी दे देती हूँ अपने व्लॉग में ही, तो वो मुझे पूछ रही थी कि नौरीन आप महफिल मिलाद वगैरह क्यों नहीं करती हैं जबकि आपके अम्मी वाले कर रहे होते हैं वहाँ पर, लेकिन आपको हम लोगों ने यहाँ कभी नहीं देखा ना। तो असल में क्या है ना कि जब आप अपने शादी हो जाती है ससुराल में हो जाते हैं, तो जो फिर उनके तरीक़ाकार हैं या फिर उनके जो रूल्स हैं जाहिर सी बात है आपको वो अपनाने पड़ते हैं। तो मेरी अम्मी लोगों के घर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप लोग देखते ही होंगे, बल्कि बाकायदगी से वहाँ पे कुरान हानी वगैरह या मिलाद या फिर न्याज वगैरह होती रहती है। यहाँ भी जो है मेरे ससुर वो करते हैं, यानी कि मस्जिद में दे देते हैं या मदरसा वगैरह में कर देते हैं, या फिर मतलब वो बाहर बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता। बाकी ये है कि मिलाद वगैरह की अगर बात करूँ, महफिल की बात करूँ, तो वो यहाँ पर नहीं होती है, तो इसलिए मुझे भी जो है ना बस अपने ससुराल वालों के साथ जैसे वो मतलब हैं वैसे ही मुझे भी रहना पड़ता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी भी जब भी अगर ज़िंदगी रही अपना घर बना तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर देखेंगे कि नौरीन इंशाल्लाह कुरान हानी भी करवाएगी। आपकी मम्मा के व्यूवर्स कहते हैं कि आप बहुत डिसेंट बच्चे हो, आप तो मम्मा को बहुत ज़्यादा तंग करते हो, क्या वजह है, यहाँ पे बड़े डिसेंट नजर आते हो, बड़े प्रोफेसर बन के आ गए हो, हाजी साहब आप बताओ। नहीं तो अभी एग्जाम हो गए आपके वहाँ पे, मजे होने वो कह रहे हो गए, आप कह रहे हो गए ना। अच्छा तो स्कूल की छुट्टियाँ कब है? नहीं दिसंबर से पहले पहले एग्जाम हो जाएंगे या उसके बाद? दिसंबर से तो अगले हफ्ते। अच्छा मैं तैयारी अच्छी करना, जब भी मैं जो है ना कुछ मारता हूँ ना मतलब एक्सरसाइज करता हूँ घर में, तो मम्मा जो है ना मुझे देखता है और देखने के बाद ना मेरे साथ ना मतलब कि मेरी तरह कुछ मारने की कोशिश करते, दिखाता हूँ मैं। देख रहा हूँ मतलब ना यूं मुझे ना कॉपी करता है, जब भी मतलब कोई एक्सरसाइज ना उठक बैठक करता हूँ पुशअप्स लगाता हूँ, तो ये जो ना सुबह सुबह मेरे साथ आया था ना, अच्छा मैं सुबह सुबह भी टाइम करता हूँ, तो ये इस तरह कहता है। हालांकि ये छोटे ना यहाँ से इनसे इस पोजीशन में भी नहीं आया जाता, तो ये माशाल्लाह अभी से मेरे साथ लग रहा है, बड़ों के अच्छा एथलीट बनेगा, मैं इतना एक्टिव बंदा बनेगा। पुशअप्स में आओ ना, वो तो बच्चा है छोटा, वो तो उछल भी रहा है, पुशअप्स में आओ लगाओ पुशअप्स। क्या कहा था मैंने?